दोस्तों मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं सेकंड टेक। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऑनर प्ले के बारे में। जी हां, मैंने इसका अनबॉक्सिंग वीडियो दे दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों वहां पर आप काफ़ी लोगों ने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे हैं, क्योंकि अगर आप इस फ़ोन को परचेज करने की सोच रहे हो तो ये सारी बातें जो है वो आपको पता होनी चाहिए, और लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन हैं। और दोस्तों मैं आपके सभी सवालों के जवाब जो है वो इस वीडियो में देने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। और दोस्तों इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास मिल सके। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पर पूछते हैं कि यहाँ पर आपको नेटिव वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन मिलता है या नहीं मिलता है। तो दोस्तों सैडली यहाँ पर आपको एक फ्लैगशिप फ़ोन के अंदर आपको नेटिव वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन नहीं मिलता, जो कि काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। दोस्तों उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ दूसरे क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है क्या ये फ़ोन गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ आता है। तो यहाँ पर ओनर ने कोई भी जिक्र नहीं किया है कि इसके अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास दिया गया है, ड्रैगन टेल ग्लास है या सैफियर ग्लास है। तो हम यही सोच कर चलेंगे कि इसके अंदर आपको कोई भी गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, सैडली। उसके बाद काफ़ी लोगों ने यह भी पूछा है क्या ये IP67 या 68 अप्रूव्ड है। जी नहीं, ये वाटरप्रूफ फ़ोन नहीं है, इसको कोई भी IP सर्टिफिकेशन नहीं मिली है, तो अपने फ़ोन को आप पानी से बचाकर रखिएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं क्या इसके अंदर आपको एंड्रॉयड पाई देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ओनर का कहना है कि डेफिनेटली आपको इस फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड पाई का अपडेट जो है वो ज़रूर मिलेगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन लाइट मिलती है या नहीं मिलती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जी हाँ, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन लाइट मिलती है। जहाँ पर आपका कैमरा सेंसर दिया गया है नॉच के पास, वहीं पर आपको नोटिफिकेशन लाइट भी दी गई है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और दोस्तों उसके बाद एक भाई ने पूछा था क्या इसके अंदर कैरियर एग्रीगेशन का ऑप्शन मिलता है या नहीं मिलता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि डेफिनेटली बहुत अच्छा ऑप्शन है और बहुत ही अच्छा फीचर है ये, कैरियर एग्रीगेशन आपको इस फ़ोन के अंदर मिल जाता है। अब काफ़ी लोगों को शायद ना पता हो कि कैरियर जो एग्रीगेशन है वो होता क्या है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको टेक्निकली समझाऊँगा तो कम से कम आधा घंटा लग जाएगा, तो मैं आपको एक मोटे और देसी तौर पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज कीजिए आप एक रोड पर जा रहे हैं, एक सिंगल रोड है और आपको जाना है 100 किलोमीटर के आसपास, तो आपकी स्पीड जो है वो वहां पर ट्रैफिक के अनुसार ही होगी। अगर आपके आगे 10 गाड़ियां हैं, आपके पीछे भी 10 गाड़ियां हैं, तो आपकी स्पीड फास्ट नहीं होगी। तो यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, LTE बोलते हैं इसको, तो ये क्या करती है कि ये उसके साथ पूल्स बना लेते हैं और डिफरेंट डिफरेंट आपके लिए जो रूट है वो पैदा कर देते हैं। यानी कि जहाँ आप एक लेन में जा रहे हैं, सपोज कीजिए वो डबल लेन हो गई है, तो आप ट्रैफिक कम हो जाएगा और आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब वो डबल लेन को आप 4 लेन में भी कन्वर्ट कर सकता है, वो 6 लेन भी बना सकता है, मतलब कोई भी ऐसी लिमिटेशन नहीं है। तो ये एक पूल की तरह काम करता है। और ये जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सभी तो नहीं है, अभी काफ़ी इसके अंदर टाइम लगेगा, लेकिन आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए मिनिमम टाइम लगेगा। यानी कि आपको जो नेटवर्क की स्पीड मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी, मोटी सी बात ये है। और ये सभी फ़ोनों में नहीं होता है, कुछ फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स ही हैं जिनके अंदर ये फीचर्स दिए जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन था क्या इसके अंदर आपको इनबिल्ट कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। तो डेफिनेटली आपको ऑनर प्ले के अंदर इनबिल्ट कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको डुअल एप्स भी मिल जाता है, यहाँ पर आपको ऐप लॉक भी मिल जाता है, और ये आपको यहाँ पर फाइल सेव का ऑप्शन भी मिल जाता है। और अच्छी बात मुझे ये लगी कि आप इन सभी को अपने फिंगरप्रिंट से या फिर फेस से भी अनलॉक या लॉक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है क्या यहाँ पर 4K रिकॉर्डिंग के अंदर आपको EIS का ऑप्शन मिलता है। तो नहीं मिलता है, आपको जस्ट 1080p के अंदर ही EIS देखने को मिलेगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि दोस्तों के आपको यहाँ पर फ्रंट साइड में भी EIS देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो यहाँ पर पूछा है क्या इसके अंदर आपको फ्रंट साइड में फ्लैश मिलती है। तो यहाँ पर आपको कोई डेडिकेटेड फ्लैश नहीं मिलती है, यहाँ पर आपको स्क्रीन फ्लैश मिलती है। और काफ़ी लोग ये भी कह रहे होंगे कि स्क्रीन फ्लैश काम नहीं करता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो ऑटोमेटिकली काम करेगा। अगर आप किसी डार्क सिचुएशन में, डार्क एरिया में हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो है फ्लैश ऑन करेगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर दिन के अंदर चाहेंगे कि वो फ्लैश ऑन हो जाए तो वो दिन के अंदर काम नहीं करेगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है कि क्या ये स्लो मो वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर सकता है। जी हाँ, कर सकता है। और यहाँ पर आपको जो फ्रेम पर सेकंड है 120 फ्रेम पर सेकंड पर कर सकता है। आप 720p पर भी कर सकते हैं और 1080p पर भी कर सकते हैं, 120 फ्रेम पर सेकंड पर।
उसके बाद दोस्तों एक भाई ने ये भी पूछा था कि अगर इसके अंदर आपको डुअल 4G वोल्टिक ऑप्शन मिलता है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर मिलता है। तो दोस्तों काफी लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि आपको इसके अंदर आईफोन 10 वाले गेस्चर्स मिलते हैं जो कि अभी शाओमी के कुछ फोन्स में आपको मिलने लगे हैं MIUI में। तो यहाँ पर आपको ऑन स्क्रीन गेस्चर्स नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इस तरह से एक स्लाइड बार मिल जाता है। तो ये लगभग थोड़ा बहुत आप ये कह सकते हैं कि उसी तरीके से थोड़ा सा काम करता है। वहाँ पर आप स्क्रीन पर कहीं पर भी टैप कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पर जैसे ये स्लाइड बार दिया हुआ है, अगर आप इसको यहाँ पर स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर रिसेंट्स खुल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। बैक जाना हो जैसे आपको एक बार टैप करना है यहाँ पर, और अगर आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर हैं तो अगर आपको होम स्क्रीन पर जाना है तो आपको जस्ट यहाँ पर होल्ड करना होगा और आप होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो कुछ इस तरह से ये काम करता है, काफ़ी यूजफुल है। लेकिन अगर फुल गेस्चर्स होते जैसा कि आपको MIUI में देखने को मिलता है या फिर आपको आईफोन 10 में देखने को मिलता है, तो ये बहुत कमाल की चीज़ होती है, काफ़ी यूजफुल चीज़ भी है ये। उसके बाद दोस्तों काफी लोगों ने ये पूछा है कि इसके अंदर जो कैमरा है यार, वो सेंसर जो दिए गए हैं वो कौन से सेंसर है, सोनी के हैं, सैमसंग के हैं, भाई किसके हैं, माइक्रोमैक्स के हैं? खैर माइक्रोमैक्स के तो होते नहीं है, लेकिन तो यार मैंने सारा इंटरनेट छान मारा, सारी एप्लीकेशंस छान मारी, ठीक है, लेकिन मेरे को कहीं पे भी इसके सेंसर्स का नहीं पता चला कि इसके अंदर सैमसंग है, सोनी है, इसके अंदर क्या है। तो मैंने ऑनर को एक डेडिकेटेड एक मेल भेजी है जिसमें मैंने उनसे पूछा कि आपने इसके अंदर फ्रंट रियर कैमरे के अंदर कौन से सेंसर यूज़ किए हैं, और उनका जैसे ही रिप्लाई आएगा भाई लोगों मैं आपको अपडेट कर दूंगा इसके कैमरा रिव्यू के अंदर। और अगर उन्होंने का रिप्लाई नहीं भी आता है तो मैं अपने एंड पर और कोशिश करूंगा ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं। बाकी इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको पता ही होगी कि पीछे की तरफ डुअल कैमरा सेटअप है, 16 मेगापिक्सल का अपर्चर f2.2 का है, साथ ही एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है अपर्चर f2.4 के साथ, फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का अपर्चर f2.0 के साथ। तो लेकिन कौन से सेंसर हैं ये मैं आपको थोड़े आने वाले दिनों में बता दूंगा। उसके बाद दोस्तों कुछ भाई ने ये भी पूछा था कि इसको आउट ऑफ द बॉक्स आपको कितनी GB रैम फ्री मिलती है। तो 4GB वाला ये मॉडल है, आपको इसके अंदर 2.5GB जो है वो फ्री मिल जाती है, और स्टोरेज की बात करूं तो लगभग आपको 52GB स्टोरेज जो है वो फ्री मिलती है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आया था, क्या ये फेस अनलॉक जो इसका है वो ज़्यादा सिक्योर है क्या, अगर मतलब आंखें बंद है तो भी खुल जाएगा या नहीं खुल जाएगा जैसा रियलमी 1 में होता था? तो भाई लोग मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इसका फेस अनलॉक बहुत बढ़िया है, लो लाइट के अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, फास्ट है, और अगर आपकी आइज क्लोज है तो ये काम नहीं करता है। तो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर अनलॉक, और अगर मैं अपनी आईज क्लोज कर लेता हूं फिर देखते हैं, आप देख लीजिए यहां पर अनलॉक शायद नहीं हुआ होगा, मैं खोल लेता हूं और अनलॉक। तो अच्छी बात है, फेस अनलॉक बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और दोस्तों उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन काफी लोगों ने पूछा कि भाई ये स्मार्ट शॉक 4D का ऑप्शन क्या है, इससे क्या हो जाता है? तो मैं आपको बताऊंगा कि ये एक सॉफ्टवेयर है और ये अपडेट के थ्रू ही आएगा आपके इस डिवाइस में, अभी इसके अंदर नहीं है। उसके अंदर भाई लोग होता क्या है मैं आपको बताऊं, अगर आप पबजी खेल रहे हैं या आप एक बहुत तगड़े गेमर हो और आपने 10-20 गुंडे यार मार दिए हैं ठहठ करके, और एक गोली आपको बच गई यार, आपके छाते पे आके लगी या कहीं पे भी लगी भाई, असलियत में ना लगे गेम में लग जाए, तो आपको क्या होगा, एक शॉक महसूस होगा, एक जैसे अगर आपकी गाड़ी क्रैश कर गई है तो आपके फ़ोन के अंदर वाइब्रेशन होगी, उस तरह से जैसे अगर आप AK-47 से फायर कर रहे हैं तो उस तरह का आपको फील मिलेगी जो कि एक अलग लेवल पर ले जाएगा गेम प्ले को। तो ये है दोस्तों 4D शॉक गेमिंग जो आने वाली है, और देखते हैं कि अपडेट आएगा उसके बाद कितना अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहता है। और दोस्तों सबसे लास्ट और सबसे धांसू फीचर की बात करूं तो यहाँ पर आप सभी लोगों को एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा भाई लोग, तो उसको यार क्लिक कर दो जिसने नहीं कराया है, और साथ में घंटी भी दबा दो ताकि मैं इसी तरह के वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, टारगेट है सिर्फ 200 लाइक का, यार एक टारगेट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी, और अगर इतनी सी भी मिली है, इतनी सी भी हेल्प मिली है ना, तो यार इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और स्वैगन फैमिली का भी ख्याल रखिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।